हेलो दोस्तों, तो इस बात को ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब ऑडियंस ने अपने रणवीर कपूर और बॉबी देओल को एनिमल में गुत्थम गुत्था होते देखा था। और उससे भी ज्यादा क्रेडिट जाता है डायरेक्टर संदीप रेड्डी को, जिन्होंने धासु स्टाइल में बिना शर्ट वाला फाइट सीक्वेंस रेडी किया। इस चीज ने क्लाइमेक्स में हर किसी को थ्रिल किया और बॉबी देओल बन गए लॉर्ड बॉबी। अब बॉबी के इस नए अवतार ने ऑडियंस को तो क्रेजी किया ही, बल्कि एनिमल ने बॉबी को इंडियन सिनेमा के नए विलन के तौर पर भी इंट्रोड्यूस किया। पर एनिमल से बॉबी की जो रीच इंडिया भर में बढ़ी है, उसने उनकी एंट्री यशराज वालों के स्पाई यूनिवर्स में भी करवा दी है, जहां वो आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ वाली स्पाई मूवी में उनके एंटागोनिस्ट बनेंगे। यानी यहां स्पाई यूनिवर्स में एक और विलन की एंट्री होने वाली है जूनियर एनटीआर के बाद। अब मिड डे वेबसाइट के एक आर्टिकल में बताया गया है, स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड वाली इस मूवी के लिए आदित्य चोपड़ा अपनी तरफ से कोई कसर अभी के लिए तो फिलहाल नहीं छोड़ना चाहते हैं, और वो इस मूवी को एक कूल एक्शन एंटरटेनर के तौर पर बनाना चाहते हैं। और आलिया भट्ट के लिए भी ये मूवी अपने आप में एक काफी बड़ा चैलेंज है, जो कि इससे पहले तापसी पन्नू कर चुकी है बेबी यूनिवर्स में शबाना बनकर। अब यशराज वाले इससे भी आगे बढ़कर इस मूवी के लिए आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच कुछ ऐसे एक्शन सीक्वेंस प्लान कर रहे हैं, जो कि अपने आप में इस मूवी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, जैसे पठान और टाइगर के एक्शन होते हैं। अब ये तो नहीं पता कि इन एक्शन सीन्स में शर्वरी वाघ भी होगी या नहीं, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स और रूमर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग दोनों के बीच फिल्म के 7 बार एक्शन सीक्वेंस प्लान किए गए हैं, और शायद इनमें 3 बार हैंड टू हैंड एनकाउंटर भी होंगे, जिनमें की मार्शल आर्ट्स भी होंगे। मतलब यहाँ यशराज वालों से जितनी भी कोशिश हो सकेगी, उतना वो फिल्म का एक्शन स्केल हाई रखने की कोशिश करेंगे। और बॉबी भी इस फिल्म के लिए शायद कुछ दिनों में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना शुरू करने वाले हैं। अब अपने बॉबी देओल अपनी विलन वाली एक्टिंग को दिनों दिन इनहेंस ही कर रहे हैं, जिसमें की सबसे ज्यादा खूंखार लुक उनका कंगोवा मूवी में होने वाला है, जिसमें की ऑडियंस ने उन्हें इमेजिन भी नहीं किया होगा। अब बस ये देखना है कि इस फिल्म के लिए कौन से एक्शन डायरेक्टर को हायर किया जाता है, क्योंकि यहाँ यशराज वाले वॉर 2 के लिए कैप्टन अमेरिका वाले स्टंट और एक्शन डायरेक्टर को हायर कर चुके हैं, जिसमें कि आलिया वाली फिल्म से अभी और क्या अपडेट निकल कर आती है, हम आप तक जरूर लेके आएंगे। तो इस क्विक वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आप देख रहे थे सिनेमा एंड पॉपकॉर्न। टिल देन बाय।